नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से युवा सहकार योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया के योजना के अंतर्गत जो है वर्ष 2018 में युवा सहकार उद्यम सहयोग व नवाचार योजना को लॉन्च किया गया है और योजना का उद्देश्य कृषि सहकारिता के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना है और इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत जो है ऋण प्राप्त प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है और योजना का संचालन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा किया जाएगा और NCDC द्वारा जो है योजना का के तहत जो है लोन प्रदान किया जाएगा और योजना का जो फॉर्म लोन लेने के लिए योजना का फॉर्म भरकर NCDC के कार्यालय में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यालय में ही जमा करना होगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कृषि सहकारिता के क्षेत्र में अर्थ क्रांति लाने के उद्देश्य से जो है युवा सहकार योजना को लॉन्च किया गया है और जिससे किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए कृषि सहकारिता से संबंधित उद्यम को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत और कृषि सहकारिता से संबंधित जो संगठन है, महिलाओं के जो संगठन है, उनको योजना के तहत जो है सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो संगठन है सहकारिता कृषि सहकारिता के जो संगठन है बिजनेस करना चाहती हैं सहकारिता कृषि सहकारिता के क्षेत्र में तो उनको भी जो है योजना के तहत जो है प्राथमिकता दी जाएगी लोन देने में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि सहकारिता से संबंधित व्यापार के लिए अधिकतम जो है 3 करोड़ रुपए तक का लोन 5 वर्ष की अवधि तक के लिए जो प्राप्त किया जा सकेगा और ऋण को चुकाने की अवधि लोन लेने के 2 वर्ष के बाद से शुरू होगी और जिस पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज में जो है 2% की छूट भी प्राप्त होगी यदि लोन जो है टर्म लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत और उसको समय से चुकाने पर ब्याज में 2% की छूट प्रदान की जाएगी और युवा सहकार योजना के तहत जो है दिल्ली में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2019 तक जो है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला का जो है आयोजन किया गया था और जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय ये मेला था जिसमें देश के जो है 35 देशों के प्रतिनिधि एवं संगठनों द्वारा जो है कृषि सहकारिता से संबंधित उत्पादों का जो है प्रदर्शन किया गया तो ताकि इस योजना के तहत जो है इस ट्रेड फेयर का जो आयोजन किया गया था ताकि युवाओं को जो है कृषि सहकारिता के क्षेत्र में नए बिजनेस आइडियाज प्राप्त हो सकें और बिजनेस करने के लिए जो प्रोत्साहित हो सकें। तो दोस्तों, इस योजना के तहत लोन लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके लिए देश की किसी भी कृषि सहकारिता से संबंधित संगठन जो न्यूनतम 3 महीने से संचालित होगी वो लोन ले सकती है इस योजना के तहत। तो यदि 3 महीने से कम समय से जो है सहकारी संगठन होगी, 1 या 2 महीने हुए होंगे सहकारी संस्था को शुरू हुए हुए, तो वो लोन नहीं ले सकेगी। तो न्यूनतम 3 महीने से संचालित होना आवश्यक है कृषि सहकारिता के संगठन को और यदि सहकारी समिति 3 वर्ष से संचालित है तो ऐसी दशा में जो है पिछले 1 वर्ष में सहकारी संस्था जो है बिजनेस में आर्थिक घाटे में ना रही हो तभी वो इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकेगी
और जिन जो सरकारी संगठन जो है 3 वर्ष से ज्यादा अवधि से संचालित हैं, तो कृषि व्यापार के क्षेत्र में, तो ऐसे दिशा में जो है पिछले 3 वर्षों में आर्थिक घाटे में नहीं होना चाहिए सहकारी संस्था को, तभी वो जो है इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकेगी। और 3 महीने से ज्यादा किंतु 1 वर्ष से कम समय से जो सहकारी संस्था संचालित होंगी व्यापार के क्षेत्र में, कृषि व्यापार के क्षेत्र में, उन्हें जो है अधिकतम 1 करोड़ रुपए की परियोजना की लागत पर लोन प्राप्त हो सकेगा योजना के तहत। और 1 वर्ष से या उससे अधिक समय से संचालित जो सहकारी संस्था है कृषि व्यापार के क्षेत्र में, उन्हें अधिकतम जो है 3 करोड़ की परियोजना लागत पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। और दोस्तों, महिला सहकारी समिति विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो है, और इसके अतिरिक्त जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो कृषि सहकारी समितियां होंगी उन्हें जो है परियोजना लागत का 80% ऋण प्राप्त हो सकेगा योजना के तहत। और इसके अतिरिक्त अन्य कृषि सहकारी संस्थाओं को, जो अन्य क्षेत्र की जो कृषि संस्था सहकारी संस्थाएं हैं, उन्हें जो है परियोजना लागत का 70% लोन प्राप्त होगा। और ऋण चुकाने की समय सीमा जो है 5 वर्ष निर्धारित की गई है, और ऋण लेने के 2 वर्ष के बाद से लोन की किस्त जमा करना शुरू करना होगा। और इसके अतिरिक्त यदि इस योजना के तहत टर्म लोन लिया गया है तो उसको चुकाने के लिए जो है ब्याज पर दो समय से पर चुकाने पर जो है मैं लोन के ब्याज बैंक द्वारा जो लोन ब्याज दर निर्धारित किया जाएगा उससे 2%, उस ब्याज दर से 2% कम ब्याज की दर से जो है लोन चुकाना होगा। तो 2% ब्याज की दर में छूट दी जाएगी यदि योजना के तहत टर्म लोन लिया जाता है तो। और दोस्तों, इस योजना में के तहत जो है युवा सहकार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने के लिए जो आपको ऑनलाइन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वेबसाइट से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना होगा, और उसको भरने के बाद आपको जो है अपने राज्य के जो कृषि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कार्यालय होगा वहाँ जमा करना होगा। और फॉर्म के साथ योजना से संबंधित जिस प्रकार के जो है व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार से संबंधित दस्तावेजों को भी जो है संलग्न करना होगा। और इसके अतिरिक्त अपने व्यापार अपने जो आप परियोजना लगा रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगाना होगा। तो उसमें ये सारे आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करके अपने राज्य के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यालय में आपको जमा करना होगा। और इसके बाद वहाँ राष्ट्र कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आपको जो है आवेदन फॉर्म आपका सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र संख्या आपको दी जाएगी, उसकी रसीद दी जाएगी, और उस रसीद को जो आपको सुरक्षित रखना होगा क्योंकि उसी रसीद की सहायता से आप अपने लोन के आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जो आप योजना के तहत आवेदन फॉर्म में फोन नंबर अपना डाले होंगे उस फोन नंबर पर आपको SMS के द्वारा जो है लोन प्राप्त होने की, लोन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी कार्यालय द्वारा। तो दोस्तों, इसको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को आपको जो है डाउनलोड करना होगा, उसको प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालना होगा तो योजना का फॉर्म देखने के लिए, और योजना से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पे योजना की संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा। और गूगल वेब ब्राउजर में आपको जो है NCTC.in लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा। तो सर्च पर क्लिक करने के बाद ये विकल्प खुल कर आएंगे, मैं NCTC.in, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पोर्टल खुल जाएगा योजना का, और इस वेब पोर्टल के अंतर्गत आपको जो है
यदि आपको योजना संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो युवा सहकार योजना ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो योजना से संबंधित जानकारी के लिए योजना का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ से योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिटेल में। और योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ से कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, किस व्यापार के लिए आप लोन ले रहे हैं तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये व्यापार के नाम दिए हुए हैं, तो आपको यदि फिशरी मछली मत्स्य पालन से संबंधित व्यापार करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और यदि गोपालन या दुग्ध व्यवसाय से संबंधित आपको जो है करना है, पशुपालन से संबंधित व्यवसाय करना है तो आप ये डेयरी प्रोसेसिंग पर करेंगे। और यदि मुर्गी पालन से संबंधित आपको करना है तो पोल्ट्री फार्म इस पर आप क्लिक करेंगे। और तो दोस्तों इस तरह से आपको जिस प्रकार के बिजनेस में आपको करना है, तो यदि आप फिशरी करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर टाइप ऑफ लोन, आप लोन किस प्रकार का चाहते हैं इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टर्म लोन चाहते हैं या वर्किंग कैपिटल चाहते हैं तो आप जो टर्म लोन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों टर्म लोन पर लेने पर जो है 2% ब्याज दर में छूट भी मिलेगी। तो इस पर करने के बाद टर्म लोन पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फिर इसके नीचे ये लिंक दिया है, यहाँ से आप जो है योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोइंग कोऑपरेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव, इसके बारे में जो है आप जानकारी फिशरी प्रोजेक्ट से संबंधित चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और फॉर्म के लिए क्लिक करना होगा आपको यहाँ से ये क्लिक बिलो लिंक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एन एक्शन। तो आप यहाँ से जो है फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको आपको जो है डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकालना होगा इसका। तो कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसको आप क्लिक नीचे जाएंगे तो आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी ये दिए हुए हैं। ये पूरा आपको जो है एनेक्सर वन और ये टू एनेक्सर, ये सारे ये थ्री, ये पूरा आपको जो है अपलोड कर लेना होगा। पहले यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है ये यहाँ से प्रिंट आउट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट आप निकाल सकेंगे फॉर्म का। और इस फॉर्म के से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। और भरने के बाद जो है आपको अपने राज्य के जो राष्ट्रीय जो राज्य के सहकारी एनसीडीसी का कार्यालय होगा, सहकारी विकास निगम, उस कार्यालय में आपको जाकर के जमा करना होगा। और दोस्तों कार्यालय का एड्रेस आपको जानने के लिए जो है कार्यालय में आपके राज्य में कहाँ पर है ये एनसीडीसी का कार्यालय, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। न्यू स्कीम रीजनल डायरेक्टरी, इसमें से आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जान सकेंगे कि आप किस कौन से राज्य में कहाँ पर है, किस जगह पर है इस एनसीडीसी का कार्यालय। तो दोस्तों ये दिए हुए हैं मध्य प्रदेश और ये तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ कहाँ पर है ये सारे इसका दिया हुआ एनसीडीसी के सहकारी निगम का कार्यालय। तो यहाँ से आप जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की राजधानी में एनसीडीसी का कार्यालय होगा। और ये देश में जो है इसके एनसीडीसी के दिल्ली के अतिरिक्त जो है दिल्ली में हेड ऑफिस है एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यालय का, और उसके अतिरिक्त सारे राज्यों की राजधानी में जो है इसके कार्यालय है। तो आपको वहाँ कार्यालय में जाकर के अपना फॉर्म जमा करना होगा और इस प्रकार से जो है आप योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों शेयर कीजिए ताकि योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।